Hey there, welcome to another episode of Coding with CodeCat. This is Ravi, and in today's session, we are going to learn about POST APIs. What we will see today is how we can send information from our iOS application to the server through POST APIs. इस सेशन में मैंने एक और चीज कवर की हुई है, दैट इज एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। आज के सेशन में जो कुछ भी कोड होगा वो ऑलरेडी गिटहब और गूगल ड्राइव पे अपडेटेड है। सो व्हाट यू कैन डू इन ऑर्डर टू गेट द कोड इज चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द कोड फॉर यू। दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन। एपीआई सीरीज के पिछले सेशंस में हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम डेटा सर्वर से गेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट एपीआई। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम सर्वर को डेटा भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑपरेशन। एचटीटीपी के ओवरऑल चार ऑपरेशन होते हैं। वन इज गेट, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन अवर पास्ट वीडियोज। द अदर इज पोस्ट, जो आज हम सीखेंगे। द अदर टू ऑपरेशन इज पुट एंड डिलीट। एंड पुट मीन्स अगर आपको सर्वर पर कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, देन यूल यूज अ पुट एपीआई। And delete, by the name itself, it means कि आपको सर्वर पे कोई रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है, then in that case you are going to use the delete API. And मैंने अक्सर ये देखा है कि mid size company या फिर startups में होता क्या है कि API team जो है वो हमेशा post API generate करती है, and every time they give the reason कि you know like post is more secure as compared to get or any other operations. But मेरा question उनके साथ ये है कि अगर post सबसे ज़्यादा secure है तो गेट, पुट और डिलीट को तो बनाना ही नहीं चाहिए था लोगों ने। एवरीथिंग शुड बी डन बाय पोस्ट। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस द स्टेटमेंट गिवन बाय एपीआई टीम इज़ कम्प्लीटली इनवैलिड, क्योंकि आप एपीआईज़ को सिक्योर बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हो। देर आर वेरियस वेज इन सिक्योरिंग एन एपीआई। जस्ट बाय क्रिएटिंग अ पोस्ट एपीआई डज नॉट मीन इट इज़ सिक्योर। वो एपीआई हैक हो सकती है, उस पर अटैक्स हो सकते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज हाउ वी कैन सेंड इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर विद हेल्प ऑफ अ पोस्ट एपीआई। तो आपके सामने जो रजिस्टर यूजर है, ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, यानी कि आपके एप्लीकेशन से एक ईमेल, यू नो लाइक नेम एंड पासवर्ड सर्वर को भेजोगे। सर्वर उसे प्रोसेस करेगा एंड सर्वर विल सेंड अस द इन्फॉर्मेशन बैक। लेकिन आप कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप पोस्ट में भेजते हो तो आप सर्वर के पास ऐसे नहीं भेज सकते। देर आर सम प्री रिक्वेस्ट्स। आपको बताना पड़ेगा सर्वर को कि ये कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन आप भेज रहे हो, सो दैट द सर्वर कैन प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली। आप ऐसे ही कुछ भी नहीं भेज सकते। सो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज URL रिक्वेस्ट। दिस इज URL रिक्वेस्ट। अब ये URL रिक्वेस्ट करता क्या है, लेट्स फाइंड आउट। URL रिक्वेस्ट बोलता है कि आपको कौन से URL से डेटा रिक्वेस्ट करना है या डेटा पोस्ट करना है, तो वो URL आपको यहाँ पे एज अ पैरामीटर ऐड करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर इज URL स्ट्रिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी एंड पॉइंट डॉट रजिस्टर यूजर। अभी आपको इस URL रिक्वेस्ट को ये बताना पड़ेगा कि ये जो URL पे आप जा रहे हो, यहाँ पे आप एक पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो या गेट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से URL रिक्वेस्ट डॉट HTTP method is post. So far so good. And since we are dealing with a post operation, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि we know कि post में हम data भेजते हैं server को, तो आपको वो data तो बनाना पड़ेगा, right? जो आप server पे भेजोगे. So what I'm going to do is I'm going to say this is a data dictionary which is name is going to be codecat15. यहाँ पे आप एक email set करोगे, the value of that email is codecat15@gmail.com और यहाँ पे आप पासवर्ड सेट करोगे, which is the most secure password in the world, that's it. तो अभी आप क्या करना चाहते हो कि ये हो गई आपकी डेटा डिक्शनरी, आप ये रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर URL रिक्वेस्ट को अटैच करना चाहते हो, बिकॉज दिस इज द रिकॉर्ड दैट यू विल बी सेंडिंग टू द सर्वर। और यहाँ पे क्योंकि मैं डेटा डिक्शनरी को म्यूटेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू जस्ट स्विच इट टू लेट। सो एज आई सेड, अभी मुझे क्या करना है, ये मेरा रिकॉर्ड रेडी है। मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है मेरा, ये सर्वर के पास जाए एट दिस एंड पॉइंट विद द पोस्ट ऑपरेशन। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा डिक्शनरी है, मुझे इस URL रिक्वेस्ट को अटैच करना है। सो इन ऑर्डर टू अटैच दिस डेटा डिक्शनरी टू दिस URL रिक्वेस्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से कि जो URL रिक्वेस्ट है उसकी जो बॉडी है, जो पोस्ट बॉडी है जो सर्वर के पास जाएगी, वो होनी चाहिए डेटा डिक्शनरी। बट ये स्टेप करने से भी पहले अगर आपने HTTP बॉडी को नोटिस किया रहेगा, तो जो HTTP बॉडी है दिस इज ऑफ द टाइप डेटा,
लेकिन मुझे तो ये डेटा डिक्शनरी सेंड करना है, सो अगर मैं वो कोड करता तो इवेंचुअली यू वुड हैव गॉट एन एरर. सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा डिक्शनरी टू डेटा बिफोर आई डू दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से लेट रिक्वेस्ट बॉडी इज इक्वल्स टू, आई एम गोइंग टू यूज जेसन सीरियलाइजेशन जिसके पास एक मेथड है, एंड आई वुड से डेटा डिक्शनरी एंड द ऑप्शंस इज प्रीटी प्रिंटेड. नाउ दिस पर्टिकुलर मेथड कैन थ्रो एन एक्सेप्शन. So as a clean code practice, what you have to do is you have to say do catch. I will cut this. I will paste it over here and I will say try. Aur yahan pe let error debug print. You can say error dot localize description. And now what I'm going to do is I'm going to say जो यू आर एल रिक्वेस्ट है उसकी मुझे बॉडी सेट करनी है, क्योंकि वो बॉडी सर्वर के पास जाएगी एंड द सर्वर इज गोइंग टू लुक एट दैट बॉडी एंड प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन. आई एम गोइंग टू से दैट द एच टी टी पी बॉडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट बॉडी. लेट मी गेट आउट ऑफ दिस लाइन्स. सो फार सो गुड, अभी तक हमने जो यू आर एल रिक्वेस्ट की एच टी टी पी बॉडी है उसे सेट कर दिया है, लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है. अभी तो आपको सर्वर को ये बताना है कि आपके एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहा है वो कौन से टाइप का डेटा है, सो दैट द सर्वर कैन प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली. तो उसे आप कैसे करोगे? यू विल से यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट एड वैल्यू. आप बोलोगे कि मेरे एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहा है इट इज़ ऑफ द टाइप जेसन, और ये आप वैल्यू कहाँ पे सेट करोगे? इन टू द एच टी टी पी हेडर फील्ड कॉन्टेंट टाइप. और ये जो स्टेप है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं इस स्टेप को कमेंट कर दूंगा एंड देन आई विल शो यू व्हाट इज़ द एरर दैट यू विल गेट. बिकॉज अगर आप ये वैल्यू सेट नहीं करोगे तो आपका पोस्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर को अभी पता ही नहीं है कि जो डेटा आ रहा है उसका उसे करना क्या है. नाउ ऑब्वियसली यू आर सेंडिंग अ जेसन, बट देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे कि मैंने कहा कि एक कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, आप ऐसे ही डेटा सेंड नहीं कर सकते सर्वर को, राइट? तो अभी आपका जो यू आर एल रिक्वेस्ट है इट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एंड पॉइंट ऐड कर दिया हुआ है. इस एंड पॉइंट पे आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो भी आपने मेंशन कर दिया है. आप इस यूआरएल रिक्वेस्ट में क्या डेटा पास करना चाहते हो आपने वो भी मेंशन कर दिया है. प्लस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सर्वर को ये भी बताया कि आपके एप्लीकेशन से जो डेटा आ रहा है उसका जो कॉन्टेंट टाइप है वो क्या है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ इज आई एम गोइंग टू कम ओवर हियर एंड आई एम गोइंग टू से यूआरएल सेशन डॉट शेड डॉट. प्रीवियसली हम इस मेथड का यूज करते थे, दैट इज डेटा टास्क, लेकिन एज यू कैन सी यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डेटा टास्क विथ यू आर एल रिक्वेस्ट. सो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ दिस. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल से दिस इज यू आर एल रिक्वेस्ट एंड जो कंप्लीशन हैंडलर है आई वुड से डेटा, दिस इज एच टी टी पी यू आर एल रिस्पॉन्स एंड दिस इज एरर. एंड राइट नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल से जो डेटा है इट इज़ नॉट इक्वल टू निल एंड डेटा डॉट काउंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो उस केस में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सिंस दिस इज़ डेटा, और डेटा को यूजुअली हम लोग देख नहीं पाते, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू से दिस इज इस डेटा को पहले मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा सो दैट वी कैन सी कि क्या आउटपुट आया है सर्वर से. सो व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल से स्ट्रिंग डेटा एंड डेटा एनकोडिंग इज़ UTF-8 एनकोडिंग. And debug print में आप response को print कर सकते हो and this response will be a string output of JSON format. So right now what I am going to do is I am going to create the object of the structure user is equals to user and then object of user dot register user. So far so good, I think everything looks good. बट हमेशा की तरह मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स ऐड करना भूल गया, सॉरी रिज्यूम ऐड करना भूल गया. नाउ यू कैन सी दैट वी हैव गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर और हमारा जो यूज़र है वो रजिस्टर हो चुका है. नाउ कुछ मिनट पहले मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से ये जो लाइन नंबर 24 है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ये लाइन ऐड करना भूल जाते हो तो डिस्पाइट ऑफ यू नो लाइक हैविंग एवरीथिंग राइट, आपके सर्वर को ये पता ही नहीं होगा कि आपका जो एप्लीकेशन है जो भी वो उसको रिक्वेस्ट बॉडी सेंड कर रहा है उसका कंटेंट टाइप क्या है. सो राइट नाउ व्हाट आई हैव डिड इज आई हैव कमेंटेड दिस लाइन ऑफ कोड एंड आई एम गोइंग टू रन द एप्लीकेशन वंस अगेन. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टाइटल है, ये जो एरर आया यहाँ पे अनसपोर्टेड मीडिया टाइप है, यानी कि
डिस्पाइट ऑफ राइटिंग द कोड इन अ करेक्ट फैशन, यहाँ पे क्योंकि आप कंटेंट टाइप ऐड करना भूल गए हो तो सर्वर को अब पता ही नहीं है कि ये जो जेसन रिस्पॉन्स ये रिक्वेस्ट आ रही है उसके साथ उसे करना क्या, हाउ टू प्रोसेस इट, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड, दिस वन लाइन ऑफ कोड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नाउ व्हेन यू रन दिस, लेट मी जस्ट क्लोज दिस, और अभी आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने वो लाइन ऐड कर दी, माय पोस्ट इज सक्सेसफुल अगेन. अब क्योंकि एक मॉक सर्विस है तो इसलिए आप देख सकते हो कि द सेम यूजर हैज़ बीन रजिस्टर्ड वंस अगेन बाय द रजिस्टर यूजर सर्विस. रियल एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं होता. अगर सेम यूजर आप मल्टीपल टाइम रजिस्टर करने जाओ, यू गोइंग टू गेट एन एरर. अभी एक क्वेश्चन ये आता होगा कि क्योंकि यहाँ पे मैंने यूआरएल रिक्वेस्ट यूज़ किया है, मेरे प्रीवियस सेशन में मैं डेटा टास्क विद यूआरएल यूज़ करता था, बट इन दिस सेशन जस्ट फॉर पोस्ट आई हैव शोन यू कि आप किस तरीके से यूआरएल रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हो, तो क्या मैं इसे गेट के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ क्या? एंड द आंसर टू दैट इज़ येस. नाउ द सेकेंड थिंग दैट माइट हैव केम इन टू योर माइंड वेन आई सेड येस वॉज कि इसमें से अभी मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या मुझे गेट के लिए डेटा टास्क विथ यू आर एल यूज़ करना चाहिए और पोस्ट के लिए डेटा टास्क विथ यू आर एल रिक्वेस्ट यूज़ करना चाहिए, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए. सो आई वुड से कि एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यू कैन यूज़ यू आर एल रिक्वेस्ट ऑल द टाइम, बिकॉज आई थिंक यू आर एल रिक्वेस्ट के पास ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है इस तरीके की चीज़ें करने के लिए. यानी कि अगर आप सेशन आई डी पास करना चाहते हो या फिर आप कोई टोकन पास करना चाहते हो तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस आई थिंक यू आर एल रिक्वेस्ट डज अ बेटर जॉब. सो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यू आर एल रिक्वेस्ट का यूज़ करके इस गेट सर्विस का डेटा गेट करेंगे. सो वट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट द सेम कोड जो हम लोगों ने बहुत बार देखा है. सो आई वुड से get user from server, and what I'm going to do is I am going to just copy this, paste it over here, और यहाँ पे जो register user हम call नहीं कर रहे, we are going to call get user, और यहाँ पे जो है HTTP method post की जगह पे मैंने change किया है to get, because I want this URL request to go to this endpoint and get some data. तो अभी मैं क्या करूँगा, I would say URL session shared dot data task with URL request. यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि मेरे पुराने वीडियोस में मैं आई यूज टू मेक यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस. सो आई वुड से दिस इज URL request completion handler data, दिस इज URL HTTP URL response, and this is error. तो अभी मैं क्या करूँगा, द सेम कोड आई थिंक आई जस्ट leverage इट, आई एल कॉपी दिस, I'll paste it over here, और यहाँ पे before I forget, let me just go ahead and add resume, और मैं register user को call करने की जगह पे I would say just get user from server, yep that's it. So अभी मैं क्या करूँगा, let me just go ahead and run this, and over here you can see कि एक collection है which has lot of things, right? यहाँ पे name है CodeCat and the second person is Bruce and all that. अब usually क्या होता है कि जो API टीम होती है, दे डू सम टीम दे डू अ वेरी गुड जॉब इन डॉक्यूमेंटेशन. वो एक वर्ड डॉक्यूमेंट आपको देंगी या फिर एक्सेल देंगी और उसमें पूरा डेटा होगा कि आपको क्या पास करना है, क्या नहीं पास करना है और क्या पास करने से एरर आ सकता है एंड ऑल दैट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक देर इज़ अ बेटर वे रादर देन मेंटेनिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट. एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि वट यू कुड डू इस आपकी API टीम को ये बोल सकते हो कि rather than giving you a word document, जो उनके लिए भी hectic होता है maintain करना, because अगर development के time कोई API में कोई नया parameter add होता है या फिर कोई delete होता है, कोई response change होता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है इन चीज़ों को maintain करना, इन चीज़ों का track रखना, especially if you're having a word document या फिर excel document और उसे multiple teams देख रही है, android team है, iOS team है. so I think the better way to implement this with respect to documentation is कि आपकी API टीम को ये बोल सकते हो कि वो swagger implement करे उनकी API में, और swagger होता क्या चलिए वो भी देख लेते हैं. so over here what you can see is मेरे ये this is the you can see that this should be familiar, that is API Deviscus, और यहाँ पर अगर आप देखो जो base address है वो same है, यानी कि इस address पर मेरी कुछ APIs live करती हैं. And over here you can see that this should be familiar, that is the user API. अब मैं इसे अगर drop down, if I click on this, you can see there are three operations that I can do with user. One is post, the other is get, and the third one is delete. जिस तरीके से मैंने कहा था starting में कि there are four types of operation. One is a get, post, put and delete. The second is values entity. अगर मैं इसे click करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर और ज़्यादा operations हैं.
And not only that, the benefit of Swagger is ki rather than using Postman, aap kya kar sakte ho ki you can click on this get user, you can click on try it out. Aur agar aap department ID add karoge 1 and you tap on execute, to yahi pe aapko ye dikh jata hai ki response kya aane wala hai. Right? And let's say if I type department ID 9 and if I type on execute, to yahan pe aap dekh sakte ho ki yahi pe आपका जो API है उसने एक error message आपको दिया, that is invalid department ID. तो I think Swagger documentation is much better क्योंकि आप यहीं पे आपके quick validations कर सकते हो if you are working on an enterprise application or a small application. And implementing a Swagger is pretty much easy. And hence I request कि अगर आपकी API team है तो you know like you can just talk with them and you can just show this demo to them कि can you implement Swagger, because as you have seen कि कितना आसान हो जाता है मेरे सारे operations को देखना. And not only that, I can just go ahead and try out few operations, and the same is the case with post. Agar main ise bhi try out karun, so over here what I can do is I can say Ravi, and this is going to be Ravi at codecat15.com. The password is again the most secure password in the world. And now when I execute this, aap dekh sakte ho ki yahan pe aapko ek response mil raha hai. So this is the beauty of Swagger, is कि आपका documentation में ही आप test कर सकते हो, और अगर कुछ भी change होता है API में तो ये Swagger documentation भी accordingly change होता है, तो API team को भी कोई hectic नहीं होती कि हाँ चलो मुझे Word document में कुछ update करना है. So in this particular session what we have learned is कि किस तरीके से हम लोग you know like we can send post request to the server, क्या चीज़ें important है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. And not only that, we have learned कि हमें URL request क्यों use करना चाहिए and how we can use URL request with post as well as get. And we have learned something new called as Swagger, कि किस तरीके से हम लोग को अगर API का documentation maintain करना है तो how Swagger can help us in simplifying our work. Now in this particular session, the one thing that I did not like was कि यहाँ पे ये जो मेरा function है इसमें बहुत ज़्यादा code लिख दिया मैंने. And I think in the previous session, जहाँ पे मैंने ये explain किया था कि how you can clean your code, write clean code for API parsing, वहाँ पे मैंने explain किया था कि किस तरीके से आप generics, closures और @escaping keyword का use करके आपके code को clean कर सकते हो. So what I can do is in the next session, I will show you how we can write clean code for post. Or what you can do is, अगर आपने मेरा previous video देखा है for writing clean, you know like clean code for API parsing, then what you can do is, जहाँ पे हम लोगों ने decodable use किया get के लिए, post के लिए what we can use is encodable. ये encodable होता क्या है ये मैं इसे detail में explain करूँगा मेरे आने वाले video में, which will be next week. But उससे पहले अगर आप कोशिश करना चाहते हो कि आप खुद इस code को clean करना चाहते हो, then I would recommend using encodable and see how you can clean the code. And once you have finished it, तो आप क्या कर सकते हो कि you can email that code file to me and I'll give you a quick feedback on that. I hope you enjoyed this session. If you like this video, then please give a thumbs up. And if you're new to the channel, then please subscribe. That being said, thank you so much for watching this. Have a nice day and happy encoding. Bye-bye.